हे गाइस, वेलकम टू एजुकेशन के 86। आयुष्मान मित्र भर्ती 2018 में निकली गई ये वैकेंसी, ऐसा मानना था सभी का, पर अभी तक कोई फॉर्म नहीं आया है, अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। तो क्या ये सत्य है, क्या ये फॉर्म आएगा या नहीं आएगा, इन सब के बारे में चर्चा होगी आज हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आयुष्मान मित्र बनने के लिए जितने भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, वो प्लीज़ जाकर अपने CMO ऑफिस, अपने ज़िले के CMO ऑफिस में जाकर वहाँ कंसल्ट करें और वहाँ से आप इसकी जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि ऑनलाइन नहीं, अब ऑफलाइन वैकेंसी इसकी ली जा रही है। और आपको पता तक नहीं चलेगा कि फॉर्म भरे जा चुके हैं, एग्जाम हो चुका है या इसकी भर्ती हो चुकी है। तो दोस्तों, मैं आप सबको बस एक नॉलेज, एक न्यूज़ देना चाह रहा था यहाँ से, कि आप सभी अपने CMO ऑफिस जाएं और वहाँ से पता करें कि कैसे फॉर्म भरे जा रहे हैं आयुष्मान मित्र बनने के लिए। मैं आपको एक ज़िले का प्रमाण दूंगा, जो कि ज़िले का नाम है वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर भी है और एक ज़िला भी है। तो उस ज़िले की वेबसाइट पर ले जाऊँगा आपको, मैं बताऊँगा कैसे करना है आपको और कहाँ से निकालने हैं फॉर्म और कैसे कैसे भरने हैं उस फॉर्म को, पूरी जानकारी दूंगा और फॉर्म का लिंक भी बता दूंगा। आप अपने ज़िले के ऑफिशियल वेबसाइट पर कैसे जाइएगा ये भी बताऊंगा मैं, ठीक है दोस्तों। तो हमारे साथ बने रहिएगा इस पूरे वीडियो में, क्योंकि मोदी केयर योजना यानी कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आयुष्मान मित्र भर्ती निकली हुई है, उसके बारे में देंगे हम जानकारी। उससे पहले, अगर जिस कैंडिडेट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, वो प्लीज़ चैनल पर जाएं और चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के इस बटन को दबाते ही एक बेल का नोटिफिकेशन आएगा, उसे भी दबा लें, ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक पे, जो कि है आयुष्मान मित्र भर्ती। जी हाँ, मोदी केयर योजना। अगर ये GK में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आयुष्मान मित्र योजना को और कौन से नाम से जाना जाता है, तो मोदी केयर योजना के नाम से जाना जाता था, इसका नाम बदलकर आयुष्मान भारत योजना रखा गया है। तो जान ले पहले दोस्तों कि आवेदक जो होंगे, जितने भी आवेदक होंगे, उनको 12th पास होना अनिवार्य है। सबसे पहली क्राइटेरिया है आयुष्मान मित्र बनने की। कंप्यूटर और इंटरनेट की जानकारी भी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो वो प्लीज़ कृपया करके इस फॉर्म के पीछे ना भागें, इस वीडियो को ना देखें, उनका टाइम बर्बाद होगा, ठीक है। आयुष्मान मित्र ट्रेनिंग कोर्स पूरा किया होना चाहिए। अब ये आयुष्मान ट्रेनिंग मित्र क्या है, ये कैसे जानेंगे कि आपने ट्रेनिंग की है कि नहीं की है, तो ये सारी जानकारी आपको कौन देगा, तो आपका CMO। जी हाँ, जो भी आपके ज़िले में स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पर जाके आप इसके बारे में एक ट्रेनिंग ले सकते हैं, इसके बारे में सब कुछ जानकारी निकाल सकते हैं। तो ज़रूर जाइएगा अपने हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, जो कि आपके ज़िले में, हर एक ज़िला, तहसील या मंडल में होता है, वहाँ पर आप जाकर अपने इस CMO से मिलिए और आयुष्मान मित्र योजना के होने वाले लाभ के बारे में जानिए, आयुष्मान मित्र में होने वाली भर्ती के बारे में जानिए, क्योंकि वो लोगों को सरकार ने एक टेंडर दिया है कि इन सभी चीज़ों को लेकर इनको अवेयर किया जाए, हमारे जागरूक किया जाए और इनको ट्रेंड किया जाए। जो भी आयुष्मान मित्र बनना चाहते हैं, वो कैसे अप्लाई करेंगे वहाँ पर, वो सारी जानकारी दी जाएगी। आगे बात करेंगे हम, स्थानीय भाषा की जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, स्थानीय भाषा, जैसे कि मान लीजिए आप हैं उत्तर प्रदेश में, तो आपको हिंदी आनी चाहिए। अगर आप हैं वेस्ट बंगाल में, तो आपको बंगाली आनी चाहिए। अगर आप हैं कर्नाटका में, तो आपको कन्नड़ आनी चाहिए, या आप हैं महाराष्ट्र में, तो आपको मराठी आनी चाहिए। फिर बात करेंगे आवेदकों की, जो उम्र सीमा रखी गई है, वो रखी गई है 32 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, 32 वर्ष रखी गई है उनकी उम्र सीमा, और आयुष्मान मित्र की नियुक्ति में महिला उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि महिलाओं को यहाँ भी आरक्षण मिलने जा रहा है। तो दोस्तों, कोई नहीं, जितने भी गर्ल्स यानी कि फीमेल कैंडिडेट हैं, वो अप्लाई करेंगी इसको, तो उनको भी थोड़ा सा, जो उम्मीदवार जो भी होंगी लेडीज़ में, फीमेल में, उनको थोड़ा सा आरक्षण के रूप में ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं। तो जितनी भी कैंडिडेट हैं, जो कि अगर उन्होंने पहले से ट्रेंड है, जैसे मान लो नर्स की वैकेंसी है, तो नर्सिंग में अगर उन्होंने अपना कोर्स कर रखा है,
तो उनको ज़्यादा पहले वरीयता दी जाएगी, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। अब हम बात करेंगे इसकी ट्रेनिंग सिलेक्शन प्रोसेस की। तो प्रशिक्षण जो होगा वो सितंबर 2018 से शुरू हो चुका है। देखो दोस्तों, यहाँ पे अपडेटेड है ये न्यूज़। और प्रत्येक ज़िले में एक ऐसा व्यक्ति का चयन किया जाएगा जो उसकी आवश्यक प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग देगी, ठीक है। यह लोग पूरे देश के केंद्र में प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम के तहत कार्यरत होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि जैसे अगर जनधन योजना मित्र की बात की जाए, तो जनधन योजना मित्र में बैंक कर्मी जो थे वो हमारे जनधन योजना मित्र थे, ठीक है। तो वहीं पर यहाँ पर क्या किया गया है कि जो प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जो लोग हैं वो लोग ट्रेंड कर रहे हैं आयुष्मान मित्र को। तो इनसे भी ये लोग जो कहाँ मिलेंगे, कौशल विकास कार्यालय, तो ये आपके जो CMO ऑफिस है ये जानकारी देंगे सारे के सारे कि आपको कहाँ जाकर क्या ट्रेनिंग लेना है, ठीक है। और प्रशिक्षण के बाद प्रत्येक व्यक्ति को परीक्षा के माध्यम से चयनित किया जाएगा और आवेदकों को जो आयुष्मान मित्र बनने की योग्यता का प्रमाण पत्र मिलेगा। इसके बाद राज्यों में जरूरत के अनुसार उनकी तैनाती होगी। सरकारी अस्पताल में तैनात आयुष्मान मित्रों को हर लाभार्थी को ₹50 इंसेंटिव भी दिया जाएगा, जिनके थ्रू जो अगर आयुष्मान मित्र सेलेक्टेड होते हैं तो उनको एक इंसेंटिव के रूप में उनको ₹50 भी दिए जाएंगे। दोस्तों, अब बात करेंगे आयुष्मान मित्र वैकेंसी की भर्ती के रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। तो आपको यहाँ पे बता दें कि ऑनलाइन यहाँ पे एप्लीकेशन अप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन इनका एक फॉर्म डाला गया है, वो मैं बताता हूँ आपको कैसे जाना है। देखिए, आप आ जाइएगा सबसे पहले कहाँ पर, तो गूगल पे। वहाँ पे क्या सर्च करना है आपको, तो वहाँ पे आपको सर्च करना है, जैसे कि मैंने सर्च किया है वाराणसी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वाराणसी वेबसाइट। तो ये देखिए, वाराणसी वेबसाइट यहाँ लिखकर आ गया। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, एक मिनट, आप यहाँ पर जैसे ही वाराणसी वेबसाइट लिखकर क्लिक करोगे और इसे सर्च करोगे, ठीक है दोस्तों, क्या करोगे आप, इसे सर्च करोगे तो आप क्या पाओगे, एक आपको मैं दिखलाना चाहता हूँ इसको ऑफिशियली। देखो, अनाउंसमेंट जो है ये, आप आ जाएंगे वाराणसी जिले के वेबसाइट पर। वैसे ही आप जिस जिले से भी हो उसे आप गूगल पे जाकर सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको मिलेगा अपने जिले का वेबसाइट। जी हाँ, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का वेबसाइट बना होता है और आपको मिलेगा अपने जिले का वेबसाइट। अब आपको क्या करना है, तो आप आ जाएंगे अनाउंसमेंट में। वो कैसे आएंगे, तो ये अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे 3 डॉट, ठीक है, ये 3 लाइनें देख रहे होंगे यहाँ पे, जैसे मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, इस पे आपको क्लिक करना है। और ये आपको नोटिस का एक ऑप्शन है यहाँ पर, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये नोटिस का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे एक अनाउंसमेंट करके ऑप्शन आएगा। जिस भी जिले में ये अभी अप्लीकेबल है, वहाँ पे वैकेंसी चल रही है, उन कैंडिडेट को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आप अनाउंसमेंट पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों, आप आ जाइएगा इसके लिंक पे। देखिए, मैं आपको दिखलाना चाहूँगा, ये देखिए, ये अनाउंसमेंट का पेज खुल गया यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो नियुक्ति CMO ऑफिस टाइटल दिया गया है इसका। डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कि नियुक्ति अंडर आयुष्मान भारत NHPM यानी कि आयुष्मान भारत मित्र की यहाँ पर हो रही है वैकेंसी। और ये देखिए, अगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा डाउनलोड द फाइल, ठीक है, इस फाइल को आपको डाउनलोड करना है। मैं आपको बताऊंगा कौन सा है। और देखो, स्टार्टिंग डेट यहाँ पे बता दूं मैं आपको दोस्तों, स्टार्टिंग डेट है 19 सितंबर से 19 अक्टूबर तक, यानी कि समय बहुत ही बचा है, कम आपके सामने। और आपको अप्लाई करना है इस फॉर्म को बहुत ही जल्द, ठीक है। तो ये मैं वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट के जिले के बारे में बता रहा हूँ आप सभी को। अगर आपको और भी डिस्ट्रिक्ट के बारे में चाहिए तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि जैसे जैसे हर जिले का अपडेट होगा हम न्यूज़ देते जाएंगे अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को, ठीक है। तो अभी मुझे जितना भी वैकेंसी के बारे में पता चला है वो है वाराणसी के बारे में, ठीक है। यहाँ पे ऑफिशियल इसका लिंक ओपन कर दिया गया है जिले का, तो वहाँ पर मुझे इसको डाउनलोड करना होगा। अब देखिए, मैं आप इसको डाउनलोड करके दिखलाता हूँ कि क्या है इस फॉर्म में और कैसे अप्लाई करना है और कहाँ भेजना है, ये सारी जानकारी दूंगा आपको। पूरा वीडियो में बने रहिएगा आप हमारे साथ दोस्तों। तो मैं आपको लेकर आ गया हूँ उसके नोटिस पे। जी हाँ, जो PDF मैंने वहाँ पे आप दिखलाया था उसको डाउनलोड कर लिया है मैंने।
और आपको बताऊंगा कि ये कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी वाराणसी के द्वारा निकाला गया है इस वैकेंसी को। देखिए इस वैकेंसी को अगर देख के आप थोड़ा सा अगर डिस्टर्ब मत होइएगा, क्योंकि ये वैकेंसी निकली हुई सिर्फ एक पोस्ट के लिए अभी फिलहाल, ठीक है। पर आयुष्मान मित्र की जो वैकेंसी है, भर्ती है, उसकी शुरुआत कर दी गई है, क्योंकि यही वो पर्सन होंगे, एक पर्सन, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि हर जिले से एक पर्सन ही चुनकर जाएंगे जो कि आयुष्मान मित्र बनेंगे और वही ट्रेनिंग देंगे आयुष्मान मित्रों को, जो कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अलग अलग शहर से चुन के आएंगे। मैं बार बार यही बोलता जा रहा था आप सभी को, पर बहुत लोग मजाक उड़ा रहे थे उस टॉपिक का कि सर एक ही अगर चुने जाएंगे तो इतने सारे वैकेंसी में कौन आएगा। ये ऐसे ऐसे कुछ प्रश्न पूछे जा रहे थे लड़कों के हमारे कमेंट बॉक्स में डाल के। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हर जिले से एक आयुष्मान मित्र जाएगा जिसका पोस्ट होगा डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन मैनेजर का। दोस्तों वो कैंडिडेट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, उसको बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, मैथ, कंप्यूटिंग डेटा मैनेजमिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, या फिर उसको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अपने उस क्षेत्र में, ठीक है। चाहे वो आईटी इंडस्ट्री से हो या मेंटेनेंस इंजीनियरिंग से हो, या फिर फैमिलिटी विद द इंश्योरेंस इनरोलमेंट विद द क्लेम विद द आईटी सिस्टम शैल बी एड इन द एडवांटेज। चलिए ये कोई मैटर नहीं है, ये तो उनके बारे में एक क्राइटेरिया बताया गया, पर यहाँ पे मेरा बताने का एक तात्पर्य है कि एक जिले से एक डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर चुनकर जाएंगे जो कि बाकी के जो आयुष्मान मित्र होंगे उनका चयन करेंगे, ठीक है दोस्तों, और वही उनको ट्रेंड करेंगे। तो सबसे पहले इनकी वैकेंसी निकलेगी, जाहिर सी बात है। अब इनको जो फॉर्म भरना था जो वाराणसी के जिले का है, ठीक है, तो 3 अक्टूबर लास्ट डेट है, यानी कि कल, ठीक है, कल है आखिरी डेट। मैं सब कुछ सच सच बताना चाहूँगा आप सभी को इस पूरे वीडियो में, किसी की तरफ फेक नहीं वीडियो बना रहा हूँ, आपको प्रमाण के साथ ही ये सारा वीडियो दे रहा हूँ, ठीक है। अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित प्रारूप आवेदन के साथ साथ समस्त प्रमाण पत्रों को प्रमाणित छाया प्रति दिनांक 3 अक्टूबर 2018 को शाम के 5 बजे से पहले कर दिए जाने चाहिए। और चिकित्सा अधिकारी दुर्गा कुंड वाराणसी में स्पीड पोस्ट, जी हाँ, दुर्गा कुंड वाराणसी में जाकर अपने स्पीड पोस्ट के माध्यम से इसका आवेदन करेंगे। मैं आप सभी से बार बार बोल रहा हूँ कि कहाँ पोस्ट करना है अपने एप्लीकेशन को, जो भी कैंडिडेट हैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल, ये ध्यान दीजिएगा। वो सभी कैंडिडेट जाएंगे कहाँ पर, तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी दुर्गा कुंड वाराणसी, वहाँ पर जाकर अपने सारे प्रमाण पत्र जो होंगे, उनके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो सभी पोस्ट करना है वहाँ पर, ठीक है, फोटोकॉपी। और फिर उसके बाद INSC वाराणसी की वेबसाइट www.varanasi.nic.in पर उपलब्ध कर दिए जाएंगे उनके विवरण की कौन कौन से लड़के सेलेक्ट हुए हैं और किनको बनाया गया है डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब जानेंगे, ये देखिए इसका प्रारूप जो है, ये मुख्य चिकित्सा वाराणसी के जो अधिकारी हैं उनका सिग्नेचर है यहाँ पर, उन्होंने ये प्रमाण निकाला है, ये आवेदक निकाला है कि जो कैंडिडेट एलिजिबल है वो यहाँ पर आकर इसको भरें, ठीक है। और आगे बता दें इसके बारे में चयन की प्रक्रिया, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ देख लीजिएगा, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में इस PDF का लिंक डाल दूंगा, आप सभी इसको डाउनलोड करके देखेंगे। और इसकी जो पर मंथ सैलरी होगी 40,000 होगी, मैंने आपको पहले ही दिन बोला था जब इसके बारे में बताया था कि जो एक एक वैकेंसी से एक एक जिले से एक एक आयुष्मान मित्र चुन के जाएंगे वो सिस्टम इंजीनियर मैनेजर जो होंगे उनके बारे में बताया था दोस्तों, ठीक है। अब ये जो होंगे आयुष्मान मित्र की चयनित करेंगे और अपने जिले के हर शहर से आयुष्मान मित्र चुनेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये पदाधिकारी बनेंगे और ये बनकर ही चयन करेंगे किसको, तो आयुष्मान मित्रों को। तो आयुष्मान मित्रों की जो निम्न कह सकते हैं कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, उसके 12th पास होनी चाहिए, ये पक्का है कि, है ना, 12th से नीचे के कैंडिडेट नहीं एलिजिबल होंगे इसके लिए, ठीक है। आगे इनके बारे में ये सब चीज़ें पढ़ लीजिएगा, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं कि क्या क्या उनको रिक्वायरमेंट है और कौन कौन एलिजिबल हैं। अब बात रही फॉर्म की, तो ये रहा वो फॉर्म, इसी के साथ ये फॉर्म भी अटैच है। आवेदक जो करेंगे अपना पद नाम किस पोस्ट के लिए भर रहे हैं, विज्ञापन का संख्या नंबर डालेंगे, पूरा नाम साफ साफ भरेंगे हिंदी में अंग्रेजी में, फिर जन्म तिथि भरेंगे, फिर अपना जो राष्ट्रीयता यानी कि भारतीय हैं वो भरेंगे, पुरुष हैं या महिला हैं ये भरेंगे, पिता या पति का नाम भरेंगे, स्थानीय पता भरेंगे, उसके बाद अपना एक ऐसा नंबर डालिएगा जिस पे आपको कॉल आ सके उनके द्वारा, जब आप
चयनित हो जाएंगे तब। और एक ऐसा मोबाइल नंबर होगा वो भी ऐसा ही एक यूनिक होना चाहिए और जो कि आप ही का होना चाहिए। ईमेल आईडी भी यूनिक होना चाहिए, इस पर कोई भी आपका दूसरे का मेल या दूसरे की ईमेल आईडी यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। अब बाकी सारी जो प्रक्रिया हैं इसको आप भरेंगे और इस भर के इसके साथ जितने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांगे गए हैं आपसे इस पोस्ट के लिए, वो सारे के सारे आप कहाँ पोस्ट करेंगे दोस्तों? तो सारे के सारे आप पोस्ट करेंगे दुर्गा कुंड वाराणसी में, स्पीड पोस्ट करना है जाकर वहाँ पर, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी दुर्गा कुंड वाराणसी में स्पीड पोस्ट करना अनिवार्य है। कब तक? 3 अक्टूबर यानी कि कल तक। तो जल्दी कीजिए जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। और मैं बता दूं कि जो अलग अलग जिले के बारे में, ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बाहर आऊंगा यहां से, अब मैं बताऊंगा जो भी कैंडिडेट अलग अलग जिले से, देखो ये तो वाराणसी में निकला है उस पोस्ट के लिए जो बनेगा मैनेजर, ठीक है, और वो सेलेक्ट करेगा किनको, तो आयुष्मान मित्रों को। अब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की भी वेबसाइट है, आप लोग सर्च करते रहिएगा कि कब आपके स्टेट में कब तक आपका फॉर्म आएगा। और सीधा आपको कहाँ जाना है, तो सीएमओ से मिलने। सीएमओ कौन है? तो आपके जो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है आपके जिले से, उनके पास जाना है, वहाँ से आपको सारी जानकारी मिलेगी कैसे फॉर्म को भरना है और कब भरना है, ठीक है। अगर आ गया तो जाइएगा, अन्यथा ऐसे जाकर बेफजूल में वहाँ पे आप अपना टाइम बर्बाद ना करेंगे, ठीक है। तो फॉर्म आपको मिलेंगे कहाँ पे, मैंने आपको लिंक बता दिया है, ठीक है, और लिंक कैसे जाना है, कैसे सर्च करना है, ये भी चीज़ें बता दी हैं। हर जिले का अलग अलग अपना एक वेबसाइट होता है, उस वेबसाइट पर जाकर आप वहाँ पे सर्च करेंगे, आपको आयुष्मान भारत से लिंक वो मिल जाएगा, उसको फॉर्म को डाउनलोड करके भर के आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ ले जाके वहाँ पे एड्रेस दिया रहेगा आपके जिले का, वहाँ आपको पोस्ट कर देना है। तो दोस्तों अगर आपको इस पूरी जानकारी में कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। और देखिए ऐसे कैंडिडेट की प्लीज़ कमेंट मत कीजिएगा जो कि बेफजूल के इसको भरना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो जितनी भी जानकारी है, और इसके पिछले वाला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा आप लोग सभी, जो वीडियो मैंने बताया है कि कौन कौन से पोस्ट हैं वो वाले वीडियो, उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ, वो वीडियो देखिएगा ज़रूर आप सभी, ताकि आपको पता चले कि जब मैंने बोला था कि एक ही कैंडिडेट चुने जाएंगे एक जिले से और वो चुनेंगे आयुष्मान मित्रों को, वो वाला वीडियो, ठीक है। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा आप सभी। वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता था, पर कुछ कारण बस सारी चीज़ें बताने के चलते मुझे बड़ा करना पड़ा। और आप सभी इस फॉर्म को भरें अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में इसका फॉर्म आया है, तो एक बार ज़रूर देखें, अपने जिले का वेबसाइट ओपन करके ज़रूर देख लें दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।